दिवाली पे मुझे पता है आप लोगों ने सबने खूब दबा के मिठाई मिठाई और बहुत सारे चटपटे या पता नहीं क्या क्या कुछ खाया होगा, और उस सबको डाइजेस्ट करने का एकमात्र आयुर्वेदिक इलाज कह सकते हैं इसको। घर में अगर आपके ये पता है तो इसका मतलब आपका सारा सब कुछ जो आपने खाया सब डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। पेट बिल्कुल, मेरी माँ कहते हैं, रुमाल की तरह बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ये पत्ता है अजवाइन का, अगर आपके घर में गमले में अगर आपने लगा रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप इसको उगा सकते हो। कभी भी अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, पेट भारी भारी सा लगता है, और भी अगर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ये रामबाण है। इसके 3 पत्ते तोड़ करके चबा करके अच्छे से और 1 गिलास पानी अगर पी लिया जाए तो किसी भी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, खट्टी डकार आती है या जो भी है, सब फिट हो जाएगा मामला। बहुत ही प्यारा, देखने में भी सुंदर, खुशबूदार, और अजवाइन की इसके अंदर से खुशबू आती है। बहुत बेहतरीन पत्ता है और इसका पौधा भी बड़ा प्यारा लगता है गमले में लगा हुआ, और इतना पावरफुल भी है। इसको तोड़ के अगर देखो, जैसे मैंने ये मेरे ख्याल 3-4 दिन हो लिए हैं इसको, मैंने टहनी टूट गई थी तो मैंने इसमें कटोरी में रख दी थी और तभी से पत्ता मुरझाया नहीं है, नीचे के फिर भी थोड़ा बहुत मुरझा गया, ये अभी तक हरा है। जब तक इसका स्टेम, इसका जो ये हरा है तब तक ये फिट रहेगा बिल्कुल। तो बहुत अच्छा पौधा है, मेरा अजमाया हुआ है और मैंने अपने गमले में लगा भी रखा है। किसी मेरे दोस्त को अगर चाहिए तो वो मुझसे ले भी सकता है, इसकी टहनी भी लग जाती है। इतना अच्छा पौधा है, इतना शरीफ पौधा कह सकते हो कि टहनी भी लगाओगे तो इसकी टहनी भी काट के आप गमले में लगा दो वैसे ही, तो वैसे भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा असरदार और खुशबूदार पौधा है अजवाइन का। तो ऐसे ही मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। जैसा भी हो, कोई सलाह हो कि मैं अपने वीडियोस को कैसे बेटर कर सकता हूँ तो आप वो भी बताना। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।